गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान देने की बात हुई और अब भुगतान 1550 करोड़ से घटकर 950 करोड़ रह गया है। वहीं गन्ना पिराई भी इस बार ज्यादा हुई है, जिससे कि चीनी का उत्पादन ज्यादा किया जा रहा है। उधर यूपी में कांग्रेस सपा के गठबंधन पर उनका कहना था कि महागठबंधन पर आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव करेंगे। वहीं टिकट वितरण को लेकर पार्टी में कोई तकरार नहीं, जिसे नेता चाहेंगे उसे टिकट दिया जाएगा। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र वर्मा जी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से एक तरफ चुनाव नजदीक हैं, राहुल गांधी किसानों की समस्याएं उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो खासतौर पर गन्ना किसानों जो समस्याएं हैं उन्हें पूरी तरह हल किया जा रहा है, आपकी आज बैठक हुई है एनसीआर के तमाम अधिकारियों के साथ, क्या कुछ निर्णय लिया गया और जो समस्याएं हैं मिलों के भुगतान की, जो बकाया भुगतान है या फिर पिराई की, क्या उस पर कुछ ठोस डिसीजन निकल कर आया है बैठक से? नंबर एक, भारत सरकार ने इस बार गन्ना का कोई मूल्य एक रुपया नहीं बढ़ाया है। 230 रुपया क्विंटल एसएलपी पिछले वर्ष थी, वही इस वर्ष है। हमारी मांग है भारत सरकार से कि संपूर्ण देश में गन्ना का मूल्य बढ़ावे, नंबर एक। नंबर दो, राज्य सरकार का और राज्य सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का, हमारा, हमारे विभाग का पूरा प्रयास है कि समय से पराई हो, समय से भुगतान हो, घटतौली न हो और समय से किसान का पूरा गन्ना पिर जाए, ये हम सबका प्रयास है। जो बकाया था वो भी अक्टूबर से अब तक लेकर के हम 600 करोड़ रुपए दे चुके हैं। लगभग 1550 करोड़ रुपया बकाया था वर्ष 14 वर्ष 15 का, आज वो घट करके 900 करोड़ रुपया आ गया है। जिन मिल वालों ने, लगभग प्रदेश के 17 मिले हैं जो ज्यादा बकायादार हैं, मोदी हैं, मवाना है, सिम्हावली है, राणा है, बजाज है, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि गन्ना का जब आरक्षण हुआ था, क्षेत्र का निर्धारण हुआ था, बकायेदार मिल वालों को हमने गन्ना काटा भी है और जो अच्छी मिले हैं जिन्होंने समय से गन्ना का भुगतान किया था उनको इस बार गन्ना बढ़ाया गया है। तो हमारा पूरा प्रयास है, सरकार, राज्य सरकार पूरा प्रयास है कि समय से पराई, समय से भुगतान और घटतौली पर कठोर कार्रवाई करने का हम लोग